हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब। आज आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे कि लॉजिकल फंक्शन का यूज़ किस तरह से किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार टाइप के लॉजिकल फंक्शन अवेलेबल होते हैं। पहला होता है इफ़, सेकेंड होता है एंड और थर्ड होता है और चौथा होता है इसमें नॉट। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक लॉजिकल फंक्शन का यूज़ अच्छी तरह से एग्जांपल के साथ देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इफ़ लॉजिकल के बारे में। इफ़ लॉजिकल फंक्शन का उपयोग किसी एक कंडीशन को पूरा करने के लिए ही होता है। आइए देखते हैं कैसे। मैंने आपके लिए एक टेबल रेडी करके रखी है, जिसमें आप देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट के नेम, रोल नंबर और उनके सब्जेक्ट में जो उन्हें मार्क्स रिसीव्ड हुए हैं वो इनपुट किए गए हैं। उसके बाद में इनकी टोटल निकाली गई है मार्क्स की, और इसके बाद एक परसेंटेज निकाला गया है, और उसके बाद यहाँ पर हमें पास और फेल स्टेटस निकालना है, वो भी एक फार्मूले के थ्रू। और उसके बाद हमें इसमें डिवीज़न फाइंड करना है, वो भी हम फार्मूले के थ्रू करेंगे। डियर फ्रेंड, अगर आपको इस टाइप के रिज़ल्ट बताने हैं कि पास है या फेल है या कोई डिवीज़न या कुछ अदर टाइप, तो यहाँ पर हम लॉजिकल टेस्ट मतलब लॉजिकल फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब सबसे मेन पॉइंट की बात आती है कि हम यहाँ पर कौन सा लॉजिकल फंक्शन यूज़ करेंगे, इफ़, एंड, और नॉट। तो डियर फ्रेंड, अभी मैंने आपको कहा है कि किसी एक कंडीशन को पूरा करने के लिए ही इफ़ लॉजिकल फंक्शन का यूज़ होता है। तो डियर फ्रेंड, जो हम फेल पास निकालना चाहते हैं वो केवल एक परसेंटेज के बेस पर है। किसके बेस पर? ओनली परसेंटेज। देखिए, हम मैंने एक मार्किंग टेबल बनाई है नीचे, जिसमें आप देख रहे हैं कि 33 के अबाव और 33 परसेंटेज है तो आप पास है, और 33 से नीचे आपका परसेंटेज है तो फेल है। कुल मिला के हमारा मेन पॉइंट है परसेंटेज। परसेंटेज अगर 33 से ज़्यादा तो पास, 33 से कम हो तो फेल। यहाँ पर कंडीशन एक ही हुई, केवल परसेंटेज। मेन आपका बेस रहा परसेंटेज का, इसलिए यहाँ पर इफ़ लॉजिकल फंक्शन का यूज़ किया जाएगा। लगाने का तरीका क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे, उसके बाद हम इफ़ टाइप करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, उसके बाद में जो आपका परसेंटेज आ रहा है सबसे पहले स्टूडेंट के लिए, वो आपको देखना होगा कि किस सेल के अंदर है। वो हमारी सेल नंबर है J18। डियर फ्रेंड, अगर आप अपनी टेबल बनाते हैं तो आप सेल रेफरेंस चेक करके वही सेल नंबर का यूज़ करें। उसके बाद हम इसमें ग्रेटर देन और इक्वल का साइन यूज़ करेंगे, उसके बाद हम इसमें लिखेंगे 33। इसका मतलब हुआ कि ये जो सेल है J18, इस सेल में जो वैल्यू होना चाहिए 33 या इससे अबाव होना चाहिए। ठीक है, फिर हमें कॉमा लगाते हैं, उसके बाद हम डबल इन्वर्टेड कॉमे में हम लिखेंगे इसमें पास, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर एक कॉमा लगाएंगे, क्योंकि ये जो पास हमने लिखा है वैल्यू F2, अगर लॉजिक हमारा पूरा होता है मतलब ये फार्मूला चेक करेगा कि ये जो सेल है इसमें अगर 33 लिखा हुआ है या इससे कोई अबाव की वैल्यू लिखी है तो ये हमारा पहला रिज़ल्ट वैल्यू इफ़ ट्रू रिटर्न करता है, और अगर उसे 33 से नीचे की कोई वैल्यू रिसीव्ड होती है तो वो फेल स्टेटमेंट शो करता है। हम ब्रैकेट बंद करेंगे एंड इंटर देंगे। आपने देखा क्या आया, पास। हम एक बार और इसको लगा कर देखते हैं। सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे, फिर इफ़, उसके बाद हम फर्स्ट ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद में आपको सेल नंबर चेक करना है कि सेल नंबर कौन सी है। तो सेकंड स्टूडेंट सोनाली शर्मा का जो परसेंटेज 32.8 वो है J19 में, उसके बाद वही ग्रेटर देन इक्वल 33 कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमे में हम लिखेंगे पास, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर एक कोमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे फेल, उसके बाद फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा एंड ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर इंटर देंगे। आपने देखा कि इसका परसेंटेज 32.8 है, मतलब ये 33 परसेंटेज नहीं है, इसलिए ये रिज़ल्ट आया फेल का। अब डियर फ्रेंड, अगर हमारी कोई लंबी चौड़ी शीट है जिसमें बहुत सारे डेटा, बहुत सारे परसेंटेज या बहुत सारे अदर डेटा हैं,
तो हमें सबके लिए बार बार लॉजिकल फंक्शन लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने किसी भी एक लॉजिकल फंक्शन जहाँ पर आपका आंसर आया है उसे आप ड्रैग कर सकते हैं। इससे आपके अदर स्टूडेंट या अदर पर्सन के आपका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि फेल पास हमने किस तरह से निकाला है। नेक्स्ट हम इफ़ के थ्रू डिवीज़न भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि हमारा डिवीज़न जो होता है वो भी परसेंटेज के बेस पर ही तैयार होता है। मतलब अगर 60% या इससे अबाव है तो फर्स्ट, हम 45% से अबाव होता है तो सेकंड, और 33% से अबाव होता है तो थर्ड, और 33% से नीचे होता है तो ऑब्वियसली हम फेल ही कर देते हैं। ठीक है, तो डिवीज़न कैलकुलेट करने के लिए भी लॉजिकल फंक्शन इफ़ का ही यूज़ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी पूरा वर्क केवल एक परसेंटेज के बेस पर ही हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं हम परसेंटेज किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले हम डियर फ्रेंड इक्वल लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे इफ़। ठीक है, उसके बाद हम एक ब्रैकेट यूज़ करेंगे, उसके बाद में वही हमें परसेंटेज के बेस पर वर्क कर रहे हैं, इसलिए जो हमारे फर्स्ट स्टूडेंट हैं अतुल कुमार, उसका जो परसेंटेज आ रहा है वो J18 में है, इसलिए हम वही सेल यूज़ करेंगे। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल, हम यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे 60 एंड कोमा, उसके बाद हम डबल इन्वर्टेड कोमे में लिखेंगे इसमें फर्स्ट। उसके बाद हम इसमें फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ये हमारा वैल्यू इफ ट्रू, अगर 60% रहा तो फर्स्ट आएगा, उसके बाद फिर हमने एक कोमा लगाया है। अगर मान लीजिए ये 60% नहीं होता है तो हम इसमें लॉजिक में लॉजिक का यूज़ कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, हम फिर से इसमें इफ़ लगा रहे हैं। इफ़ लगाने के बाद फिर से आपको वही सेल नंबर यूज़ करना है, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल 45 एंड कोमा। आप मान फार्मूला चेक करता है कि सेल में अगर 60% है तो फर्स्ट, और अगर नहीं है तो फिर फार्मूला चेक करता है क्या 45% है, तो अगर 45% होता है तो सेकंड, एंड फिर से हम कोमा लगाएंगे और फिर से इफ लगाएंगे। उसके बाद में फिर से हमने J18 वही सेल नंबर यूज़ किया है, फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल, और इस बार हमने लिया है 33। अगर 33% हो या उससे ज़्यादा हो तो कोमा लगाकर हमने इसमें लिख दिया है थर्ड। ठीक है, और इस तरह से हमने लिखा है कि अगर 60% हो तो फर्स्ट, और अगर 45% हो या इससे ज़्यादा हो तो सेकंड, और 33% हो तो थर्ड। मतलब फार्मूला चेक करेगा 60% से ज़्यादा है या 45% से ज़्यादा है या 33% से ज़्यादा है, ये सब तो थोड़ा ट्रू के। कोमा लगाकर हम एक वैल्यू इफ़ फॉल्स की भी वैल्यू देंगे, जिसमें हम डबल इन्वर्टेड कोमे में लिख रहे हैं एफ ए आई एल। मान लीजिए, क्योंकि अगर तीनों कंडीशन पूरी नहीं होती हैं तो हमारा ये तीन कंडीशन नहीं कहलाएगी, कायदे से एक ही कंडीशन है, केवल स्टेटमेंट अलग अलग यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो अगर ये तीनों चीज़ें अगर पूरी होती हैं परसेंटेज हमारे एक ही के अंदर से, तो हमारा आंसर हमें मिलेगा, और अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है तो एक वैल्यू हमें फाल्स की मतलब फेल रिटर्न करेगा। डियर फ्रेंड, आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, हमने जब भी इफ लगाया है एक ब्रैकेट स्टार्ट किया है, पर हमने किसी भी ब्रैकेट को भी बंद नहीं किया है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने ब्रैकेट हम ओपन करते हैं उतने ही ब्रैकेट हमें क्लोज भी करने होते हैं। हमने यहाँ पर तीन ब्रैकेट ऑन किए, हम तीन ब्रैकेट यहाँ पर बंद करेंगे, 1, 2 एंड 3। ठीक है, इस तरह से हमने तीनों ब्रैकेट को क्लोज किया है और हम इंटर देंगे। आप देखेंगे इसका आंसर क्या आया, सेकंड, क्योंकि हमने दिया था उसमें कि 60% अगर होगा तो फर्स्ट आएगा, बट 45% से अबव है तो सेकंड ही होगा। ठीक है, अब मैं एक बार और आपको लगा कर बता देता हूँ। सबसे पहले इक्वल, फिर इफ, उसके बाद फिर से ब्रैकेट, उसके बाद जो हमारा सेल नंबर है J90, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल 60 कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा एंड फर्स्ट,
उसके बाद फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा लगाएंगे, फिर से हम इफ लिखेंगे इसमें, उसके बाद में जे 90 वही सेल नंबर, ग्रेटर देन इक्वल 45 एंड कोमा, फिर हम लिखेंगे सेकंड, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा, फिर इफ सेल नंबर सेम, ग्रेटर देन इक्वल 33 कोमा एंड थर्ड, एंड एक कोमा लगाकर हम इसमें एक फॉल्स का स्टेटमेंट देंगे। इसके बाद जितने ब्रैकेट हमने ऑन किए उतने ही बंद करेंगे, 1, 2 एंड 3, इंटर देते हैं। देखिए फ्रेंड, इसका जो परसेंटेज है 33% से बिलो है तो ये ऑटोमेटिक फेल हो चुका है। अब हमें अदर स्टूडेंट का अगर डिवीज़न निकालना है तो हमें बार बार लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम किसी भी एक रिज़ल्ट को ड्रैग करेंगे नीचे तक, हमें सभी के रिज़ल्ट ऑटोमेटिक रिसीव्ड हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट का 50% है तो सेकंड का 32% है तो फेल हो चुका है। नेक्स्ट का सेकंड आया 60% से अबाव है तो फर्स्ट ऑलरेडी आपको रिज़ल्ट दिख रहा है, और एक 33% या 33% से ज़्यादा है तो थर्ड। तो इस तरह से हम हमारा लॉजिकल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। लॉजिकल फंक्शन का यूज़ हम अपने हिसाब से भी बनाकर कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, और हो सके तो पूरी सिस्टमैटिक टेबल बनाकर इसका यूज़ करें ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। और डियर फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कंप्यूटर लर्निंग चैनल पे के हमारा जो अगला लॉजिकल फंक्शन है, एंड और हमारे जो अगले लॉजिकल फंक्शन है और नॉट, उनका यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो कंटिन्यू रखिए देखना नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन YouTube।